गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं प्रियंका चौबे सेंट्रल पब्लिक एकेडमी शहीद्वारा से आप लोगों को हिंदी का क्लास 11th का जो है कि आरओह से थर्ड फिफ्थ चैप्टर है, वैसे तो क्रम में थर्ड है लेकिन वो फिफ्थ चैप्टर है, थर्ड और फोर्थ आपका जो है कि क्या बोलते हैं सीबीएसई के गाइडलाइंस के अनुसार वो कटा हुआ है, ये फिफ्थ चैप्टर हमको पढ़ना है। ठीक है, अब तक हम लोग पढ़े थे नमक का दरोगा, उसके बाद मियां नसीरुद्दीन, अब हम पढ़ेंगे शेखर जोशी का गलता लोहा। तो गलता लोहा चैप्टर में इसके द्वारा कथाकार ये बताना चाहते हैं कि आपका पढ़ाई के साथ साथ आपका जो है कि सामाजिक अनुभव भी आपके किस तरह से जीवन में कारगर है। ठीक है, इस चीज़ का महत्व देते हैं और ये बताते हैं कि बच्चों को किस तरह से जो है कि उनको सही संगत, सही दिशा निर्देश, सही लोगों में रहना किस तरह से सही समाज में ज़रूरी है, और बच्चे को डेमोरलाइज नहीं होने देना है, बच्चे को होपलेस नहीं होने देना है, बच्चे को डोमिनेट नहीं करना है और किसी और दिशा में उसका ध्यान नहीं जाने देना है, और बच्चे से ज़बरदस्ती जो है कि क्या बोलते हैं इतना ज़्यादा उम्मीद या बच्चे को मतलब इस तरह से मतलब पेरेंट्स को ऐसी भावनाएं नहीं बनानी है कि बच्चे अपने मन की बात ही कहना छोड़ दें। ठीक है, और जहाँ तक हो सके तो अपने बच्चों को अपने पास ही रखना चाहिए, दूर का जो है कि दूर का ढोल सुहावन होता है जिस तरह से कहा गया है, तो ये चीज़ को देख के अपने बच्चों को आपको अपने यहाँ असुविधा देखते हुए नहीं भेजना चाहिए। ठीक है, भले बच्चा जो है कि आपके पास रहे, लाइक ये सब चीज़ें मतलब बहुत सारी बातें इसमें समझाई हैं उन्होंने। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग शेखर जोशी जी के बारे में जान जाएं लेसन पढ़ने से पहले। प्रमुख साहित्यकार शेखर जोशी का जन्म 1932 उत्तरांचल के अंतर्गत अल्मोड़ा में हुआ था। नई कहानी आंदोलन की उभरती प्रतिभाओं में उनका स्थान अन्यतम है। नई कहानी आंदोलन के अंतर्गत युवा कहानीकारों के नए रंग ढंग से अलग एक तरह की कहानियां लिखनी आरंभ की थी। ठीक है, जोशी जी दाजीव कहानी पर चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण भी हुआ। ठीक है, उन्हें पहल सम्मान से सुशोभित भी किया गया। ठीक है, दाजू पिक्चर आई थी ना और तो उसी पे जो है कि क्या बोलते हैं इनकी लिखी हुई थी स्टोरी। आगे कह रहे हैं कि इनकी साहित्यिक विशेषताएं ये हैं कि ये नई कहानी आंदोलन में इनका विशेष स्थान है। इनकी कहानियां प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती हैं। उन्होंने अपनी कहानियों में समाज के मजदूरों, साधनहीन लोगों के जीवन का चित्रण किया है। जनजीवन से जुड़ी हुई अनेक विडंबनाओं को उन्होंने अपनी रचनाओं में अंकित किया है। उन्होंने सामाजिक यथार्थता को बहुत सहज, सरल और आडंबरहीन भाषा शैली में प्रस्तुत किया है। उनकी कहानियाँ विभिन्न भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, पोलिश और रूसी में भी अनुदित हो चुके हैं। ठीक है, कहानी में जो है कि शेखर जोशी द्वारा कलात्मक ये कहानी है, यहाँ जातिगत विभाजन पर अनेक कोणों से टिप्पणी भी की गई है। ठीक है, जो हमने बताया है, और किन परिस्थितियों में एक प्रतिभावान निर्धन ब्राह्मण युवक अपनी जातिगत परंपरा को छोड़ के लोहार का काम करता है। ठीक है, अपने दोस्त के साथ किस तरह से वो जो है कि चीज़ों को अनुभव करता है, वह न केवल हथौड़े की चोट मारता है बल्कि अपनी कुशलता भी दिखाता है, इस चीज़ को वो दिखाते हैं। ठीक है, देखिएगा, मोहन के पैर अनायास ही शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गए। उसके मन में किसी कोने में शायद धनराम लोहार के ऑफर की यह अनुगूंज शेष थी जिसे वह पिछले 3-4 दिनों से दुकानों की ओर ले जाता हुआ दूर से सुनता था। कह रहे हैं, अचानक ही न चाहते हुए भी उसके पैर जो है कि शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गए। मन में किसी कोने में धनराम लोहार का जो ऑफर था काम का,
वो उसके मन में जो है कि वो गूंज जो है कि 3-4 दिन से उसकी तरफ उसको आकर्षित कर रही थी, लेकिन वो नहीं जा रहा था, लेकिन आज वो मुड़ पड़ता है। कह रहे हैं, निहाई पर रखे लाल गर्म लोहे पर पड़ती हथौड़े की धप धप आवाज़, डंडे लोहे पर लगती चोट से उठता ठनकता स्वर और निशाना साधने से पहले खाली निहाई पर पड़ती हथौड़े की खनक, जिन्हें वह दूर से ही पहचान सकता था। और कह रहे हैं कि जो लोहा गर्म करने के बाद उसकी चोट होती है, चोट से निकलने वाली जो प्रतिध्वनि होती है, उसको कह रहे हैं कि मैं सुन सकता हूँ, सुन रहा हूँ, ठीक है, उसका जो है कि आवाज़ का जो प्रतिध्वनि है उसका ये वर्णन करते हैं। आगे कहते हैं, लंबे बेंट वाले हंसुए को लेकर वह घर से इस उद्देश्य निकला था कि अपने खेत के किनारे उग आई कांटेदार झाड़ियों को काट छाँट कर साफ कराएगा। और कह रहे हैं जब वह अपने घर से निकला था लंबे बेंट वाले हंसुए को लेकर, तो खेत में उग आई कांटेदार झाड़ियों को काट छाँट कर साफ करने के लिए बूढ़े बंशीधर जी के भूते का अब यह काम नहीं रहा था। कह रहे हैं उसके पिताजी के बूते का ये काम था नहीं कि वो खेत की सफाई कर पाते, ठीक है, यही क्या, जन्म भर जिस पुरहताई के बूते पर उन्होंने घर संसार चलाया था वह भी अब वैसे कहाँ कर पाते हैं। और कह रहे हैं यही क्या, जो पुरोहित के बल पे वो घर संसार चलाते थे आज वो भी वो नहीं कर पा रहे हैं। यजमान लोग उनकी निष्ठा और संयम के कारण ही उन पर श्रद्धा रखते हैं, यजमान लोग उनके कार्य कुशलता और कार्यपरायणता के कारण उनके ऊपर विश्वास रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, लेकिन बुढ़ापे का जर्जर शरीर अब उतना कठिन श्रम और व्रत उपवास नहीं झेल पाता, लेकिन जो वो उनका बुढ़ापे का शरीर है वो व्रत उपवास करके पूजा पाठ बिल्कुल नहीं करवा पा रहे थे, इस चीज़ को वो झेल नहीं पा रहा था। सुबह सुबह जैसे उससे सहारा पाने की नीयत से उन्होंने गहरा निश्वास लेकर कहा था, कह रहे हैं सुबह सुबह जैसे ही अपने बेटे से सहारा पाने की नीयत से उन्होंने गहरा विश्वास लेकर कहा, आज गणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी के यहाँ रुद्री पाठ करना था, अब मुश्किल ही लग रहा है, यह 2 मील की सीधी चढ़ाई अब अपने बूते की नहीं, एकाएक ना भी नहीं कहा जा सकता, कुछ समझ में नहीं आता। वो अपने बेटे से एक उम्मीद एक आस के साथ कहते हैं कि रुद्रपाठ करना है चंद्रदत्त जी के यहाँ, बहुत मुश्किल लग रहा है, 2 मील की सीधी चढ़ाई मैं चढ़ नहीं पाऊँगा और एकाएक मैं मना भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्या करूँ। मोहन उनका आशय न समझता हो ऐसी बात नहीं, और कह रहे उनका बेटा ऐसा न हो कि अपने पिता की मंशा नहीं समझ पा रहा है, लेकिन पिता की तरह ऐसे अनुष्ठान कर पाने का न उसे अभ्यास ही है न वैसी गति। और कहते हैं पिता की तरह से अनुष्ठान की पूर्ति करना उसको नहीं आता है, उसको अभ्यास नहीं है, न वो तरीका ही उसको पता है, ठीक है, न उनकी तरह से वो कर सकता है। पिता की बातें सुनकर भी उसने उनका भार हल्का करने का कोई सुझाव नहीं दिया, और पिता की बातें सुनकर वो उनका कार्य कर सकेगा ऐसा कोई प्रत्युत्तर वो नहीं देता है। जैसे हवा में बातें कह दी गई हों वैसे ही अनुत्तरित रह गई, और बात जैसे लगा कि पिता ने किसी से नहीं कहा, अपने आप ही बुदबुदाया और बोले और किसी ने नहीं सुना, इस तरह से वो बिना उत्तर के वो बात हवा में ही रह गई। पिता का भार हल्का करने के लिए खेतों की ओर चला था, लेकिन हंसुए की धार पर हाथ फेरते हुए उसे लगा वह पूरी तरह कुंद हो चुकी है, और पिता का भार वो उस तरह से कम नहीं कर सकता था, तो उसने सोचा चल के खेतों के कटीले झाड़ियों को ही काट दें, लेकिन जब वो हंसुए की धार पर हाथ फेरता है तो वो धार मर चुकी है। धनराम अपने बाएं हाथ से धौकनी फूंकता हुआ दाएं हाथ से भट्टी में गर्म होते लोहे को उलट पलट रहा है, और मोहन भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनस्तर के ऊपर बैठा उसकी कारीगरी को पारखी निगाहों से देख रहा है। जो वो शिल्पकार के घर गया धनराम है, उसका क्लासमेट है, उसको देखता है कि किस तरह से वो धौंकनी को जो है कि क्या बोलते हैं फूंक रहा है, और धौंकनी के जो है कि गर्माहट पा के जो लोहा गर्म हो रहा है वो किस तरह से उसको उलट पलट रहा है, और उसकी पारखी निगाह को वो ध्यान से देखता है। मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे, मोहन ने पूछा। वे दोनों अब अपने बचपन की दुनिया में लौट आए थे।
धनराम की आंखों में एक चमक सी आ गई। वह बोला, मार्ट साहब भी क्या आदमी थे लल्ला, अभी पिछले साल ही गुजरे, सच कहूँ आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर लगा ही रहता था। कह रहे हैं कि पूछता है कि मास्टर साहब तो गुजर गए होंगे, बोलता है तो वो सब अपनी बचपन की दुनिया में पहुँचते हैं। और धनराम कहता है आँख में एक अजीब सी चमक बचपन को याद करके आती है और कहता है कि अरे मास्टर साहब वो भी क्या चीज़ थे, मतलब यार दोस्त जो है कि आज भी मतलब लास्ट तक उनकी छड़ी का डर मुझे लगा रहता था। दोनों हो करके हंस दिए। कुछ छड़ों के लिए वे दोनों ही जैसे किसी बीती हुई दुनिया में लौट गए और दोनों हंस देते हैं और कुछ क्षण के लिए वे दोनों किसी बीती हुई दुनिया में वापस लौट जाते हैं। गोपाल सिंह की दुकान के हुक्के का आखिरी कश खींचकर त्रिलोक सिंह स्कूल की चहारदीवारी में उतरते हैं। गोपाल सिंह की दुकान से हुक्के का आखिरी कश खींच के जो त्रिलोक सिंह है स्कूल की चहारदीवारी में जाते हैं। थोड़ी देर पहले ही धमा चौकड़ी मचाते, उठा पटक करते, बांज के पेड़ों की टहनियों पर झूलते बच्चों को जैसे साफ सूंघ जाता है। और कह रहे हैं कि त्रिलोक सिंह जैसे ही पहुंचते हैं तैसे ही जो बच्चे दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, खूब उठा पटक कर रहे हैं, वो लोग को जैसे लगता है सांप सूंघ गया, मीन शांत होकर बैठ जाते हैं। कड़े स्वर में वे पूछते हैं, प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? यह जानते हुए भी कि यदि प्रार्थना हो गई होती तो गोपाल सिंह की दुकान तक समवेत स्वर पहुँचता ही, और वो ये भी जानते हैं कि अगर प्रार्थना होती तो मुझको गोपाल सिंह की दुकान तक उसका आवाज़ सुनाई देता जो है कि सस्वर, लेकिन फिर भी वो पूछते हैं। और त्रिलोक सिंह घूर घूर कर एक एक लड़के को देखते हैं, फिर वही कड़कदार आवाज़, मोहन नहीं आया आवाज़। फिर वो बच्चों को देखते हैं एक एक कर को और फिर पूछते हैं एक एक करके कि कड़क आवाज़ में कि मोहन नहीं आया आज। मोहन उनका चहेता शिष्य था, पुरोहित खानदान का, कुशाग्र बुद्धि का बालक, पढ़ने में ही नहीं गायन में भी बेजोड़। मोहन उनका फेवरेट स्टूडेंट था, वो पुरोहित खानदान का, ब्राह्मण का लड़का था पंडित का, और तेज बुद्धि का बालक था, पढ़ने में ही नहीं वो गाने में भी बहुत आगे था, उसका कोई जोड़ नहीं था, बेजोड़ से मतलब जिसका कोई जोड़ ना हो। त्रिलोक सिंह मास्टर ने उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। वही सुबह सुबह हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए का पहला स्वर उठाकर प्रार्थना शुरू करता था, और इसलिए वो उनका चहेता था और वो टैलेंटेड था, मल्टी टैलेंटेड था, इसलिए उन्होंने उसको पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। और सुबह सुबह वो गाता है कि हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, वही पहला स्वर उठाकर प्रार्थना शुरू करता था। मोहन को लेकर मास्टर त्रिलोकी सिंह को बड़ी उम्मीदें थी। कक्षा में किसी छात्र को कोई सवाल ना आने पर वही सवाल वे मोहन से पूछते और उनका अनुमान सही निकलता। मोहन को लेकर मास्टर त्रिलोक सिंह को बहुत उम्मीदें थीं। कक्षा में जब कोई छात्र कोई सवाल न आए, किसी को कोई नहीं कर पाता था, वो मोहन से पूछते थे और उनका अनुमान सही निकलता था कि वो सबसे पूछेंगे, किसी को नहीं आएगा तो मोहन को ज़रूर आंसर आएगा। मोहन ठीक ठीक उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट कर देता, तब वे उस फिसड्डी बालक को दंड देने का भार मोहन पर डाल देते और तब वो जो है कि जिस बच्चे को नहीं आता उसको वो जो है कि क्या बोलते हैं, फिसड्डी कह रहे हैं यहाँ पे, तो उस बच्चे को वो क्या करते, मोहन को दंड देने के लिए कह देते। पकड़ इसका कान और लगवा इससे 10 उठक बैठक, वे आदेश देते। पहले के प्राइमरी स्कूलों में ऐसी ही सजाएं मिलती थी, कान पकड़ के बच्चे से और उसके बाद उठक बैठक लगवाई जाती थी। धनराम भी उन अनेक छात्रों में से एक था, और धनराम जो था वो अनेक छात्रों में से एक था जिसे त्रिलोक सिंह मास्टर के आदेश पर अपने हमजोली मोहन के हाथों कई बार वेद खाए थे या कान खिंचवाए थे। और कह रहे हैं धनराम भी उसमें से एक था जो त्रिलोकी सिंह मास्टर के आदेश पर अपने क्लासमेट मोहन के हाथों कई बार वेद खाए थे और कान खिंचवाए थे। मोहन के प्रति थोड़ी बहुत ईर्ष्या रहने पर भी धनराम प्रारंभ से उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था। भले मोहन से थोड़ा सा उसको ईर्ष्या रहती थी, जलन रहती थी कि इसी को क्यों मास्टर साहब मानते हैं, लेकिन फिर भी उसके प्रति स्नेह और आदर भाव भी वो रखता था। इसका एक कारण शायद यह था कि बचपन से ही मन में बैठा दिया गया था कि जातिगत हीनता के कारण धनराम ने कभी मोहन को अपना प्रतिद्वंद्वी नहीं समझा, और बचपन से ही जो ऊंच नीच का भेदभाव बच्चों को समझा दिया गया था उसके कारण जो है कि कभी भी कंपटीशन नहीं रहा मोहन और धनराम के बीच में। मोहन का अधिकार ही समझा जा, बल्कि वह उसे मोहन का अधिकार समझता था कि वह तेज है, उसको टीचर माने और वो मुझे सजा दे मैं गलती करूँ तो।
बीच बीच में त्रिलोकी सिंह मास्टर का यह कहना कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल का और उसका नाम उनका नाम रोशन करेगा, और बीच बीच में वो त्रिलोकी सिंह मास्टर साहब मोहन को कहते थे एक दिन मोहन मेरा नाम जरूर रोशन करेगा, बहुत बड़ा आदमी बनेगा, स्कूल का नाम रोशन करेगा। धनराम के लिए किसी और तरह से सोचने की गुंजाइश ही नहीं रखता था, और धनराम के लिए किसी और तरह की कोई सोचने की गुंजाइश नहीं थी। ठीक है।